गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 9 जनवरी 2019 को जो विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सीबीटी 2 की परीक्षा का प्रोग्राम जारी कर दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीबीटी 1 की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए सीबीटी 2 की परीक्षा के लिए एग्ज़ाम डेट फाइनल कर दी है। सीबीटी 2 की परीक्षाएं 21 जनवरी से प्रारंभ होकर 23 जनवरी तक चलेंगी। साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड ने एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा सीबीटी 2 के लिए एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट के लिए लिंक जारी कर दिया है। सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे विद्यार्थी इस लिंक के जरिए अपने एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही एसटीएससी वर्ग के अभ्यर्थी अपने ट्रेवल पास भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सीबीटी 1 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंकों की जानकारी भी ले सकते हैं। आप रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट और अन्य जानकारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यदि आप रेलवे भर्ती परीक्षा सीबीटी 2 के अभ्यर्थी हैं तो अपने एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट की जानकारी के लिए लिंक के लिए हमारी वेबसाइट eonlinestudy.com पर विजिट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी अपने एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।